हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कथन निष्कर्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये देखिए, 20 डे का जो मैंने क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया था, ये उसकी 5वीं वीडियो है। और इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप उन बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आगे की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचते रहे। या फिर आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर की वीडियो आपको सुबह मिलती है 7 बजे, रीजनिंग की मिलती है दोपहर को 3 बजे, और मैथ की मिलती है रात को 9 बजे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट 120 रुपये में है, और ये 120 रुपये आफ्टर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कोड आपके लिए SaurabhSPL रखा गया है, इस कोड को भरते हैं तो आपको ये 120 रुपये मिल जाएगा। अदरवाइज इनके जो प्राइस है 149 है, तो आप देख लीजिएगा। और जो RPF SI का टेस्ट है वो 199 का है, तो ये थोड़ा महंगा है, बट फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको जरूर लगा लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी कथन निष्कर्ष की, तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट आए और मैसेज आए कि यहाँ पे एक और वीडियो हमें चाहिए कथन निष्कर्ष की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो डिमांड रहती है, मैं हमेशा उसको फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष के आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 के 10 ट्राई करिएगा। आप भी ट्राई करिए और जितना मैं समझाऊंगा वो भी समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्वेश्चन के पॉइंट पे जो दिया जाता है ना, कथन दिया जाता है, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या है इसके? पहले वाला है, हाँ, यह बहुत महंगा होता है और इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर होता है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे हाँ में जो आंसर दिया गया है और जो इसका रीज़न दिया गया है, वो रीज़न बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे महंगी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या सभी को बंद कर दें? तो इसके पीछे आप ये इस तरीके से कुछ सोचते हुए चलेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है ना इसमें, कि ये बहुत महंगा होता है, मांसाहारी भोजन जो होता है आपका, ये बहुत महंगा होता है और इसलिए हमारे देश के अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर होता है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे महंगी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या सब कुछ बंद कर दें? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे वाला क्या है? नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारे देश में किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जो मतलब कि किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम ना करती हो, ठीक है ना। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और इसको ट्राई करके देखिए आपका राइट आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर धन का खर्च करती है, क्या वो बंद कर देना चाहिए? तो यहाँ पे पहला आंसर है हाँ, तो हाँ में आपको आंसर मिल गया। इसका जो रीज़न दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। इस धन का उपयोग गरीबों की उन्नति में किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि गरीबों की उन्नति के लिए धन का प्रयोग करना, तो एक जगह पे तो हम दूसरी चीज़ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो खर्च करते हैं उसको वहाँ से हटाएंगे, तो वहाँ से भी तो हमारी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना। तो एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को घटाना पड़े, तो उसको बढ़ाना नहीं कहते हैं, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, बाकी यहाँ पे दूसरी तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि गरीबों की उन्नति के लिए बहुत सारे और भी सोर्सेज हो सकते हैं बढ़ाने के लिए। सिर्फ एक यही नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर जो धन खर्च किया जा रहा है, वहाँ से खर्च बंद करके ही गरीबों की उन्नति की जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीज़न मिल सकते हैं, बट ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे वाला नई खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर खर्चा किया जाता है, उससे हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनको एक बहुत ही साहस मिलता है, और उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छा एक दूसरी कंट्री में जाके परफॉर्म करने के लिए एक बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों समझ में आए, अगर आपने भी इनका राइट आंसर दोनों का किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करिए और इसका राइट आंसर क्या रहेगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे कथन में दिया गया है, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए?
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तर्क यहाँ पे क्या है, नहीं, नहीं का मतलब है आपको आंसर तो मिल गया है कि नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि क्या भारत में सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या गया, नहीं परीक्षा तो होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए इसका देख लेते हैं। छात्रों को अल्पायु में ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये तो बता देगा कि नहीं परीक्षा होनी चाहिए, मतलब कि नहीं में आपका आंसर मिला है, बट यहाँ पे रीजन नहीं दिया गया है क्यों 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 होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन होना जरूरी है क्योंकि कथन और तर्क में यही चीज़ें आपकी मैटर करती हैं कि क्या रीजन दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं के बाद में आपका जो रीजन दिया गया है ये कोई रीजन नहीं है। छात्रों को अल्पायु में ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, ये तो एक एडवाइस दे दी गई है, बट रीजन नहीं दिया गया क्यों देनी चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर दूसरे वाला है हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाँ में आंसर दिया गया है, इससे छात्रों को प्रासरवत सोचने और अपने रचनात्मक शौक पूरे करने में सहायता मिलेगी, तो ये बोलना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि हाँ में तो जो आंसर होगा वो तो रॉन्ग होना ही है ऑब्वियसली, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 4 है, इसको ट्राई करिए और जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या भारत में जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं उनके खुलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हाँ में आंसर मिला है, तो हाँ के आंसर का रीजन पढ़ के देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते हैं क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। तो यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो क्या क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्या मतलब अगर लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा रहे हैं तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज को नए इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे वाला है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सत्य बढ़ रही टेक्नोलॉजी की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्थ प्राप्त लोगों की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए आप देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस तरीके से अब अगर भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज को खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो क्या हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे ना, तो इसलिए ये बंद नहीं होने चाहिए। तो कथन जो आपका दिया गया है उसमें सिर्फ आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो पाता है, फर्स्ट वाला नहीं हो पाता है। तो आप रीजंस देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस तरीके से पॉइंट को सोच पाते होंगे। कथन जो दिया जाता है ना उस कथन से आप उसको रिलेट करके देखिए जो तर्क दिया जाता है। तर्क 100% कथन में से आना चाहिए, तर्क 100% कथन से रिलेट करना चाहिए और तर्क से आपका मतलब कथन से आपका तर्क निकलना चाहिए। ये नहीं होता कि ऊपर से ही कोई लाइन उठा के दे दिया फिर कोई तीसरी चीज़ के बारे में बात करके यहाँ पे तर्क दे दिया जाए, ठीक है ना, यही चीज़ें देखने की होती हैं। बाकी तो आप इतने समझदार हैं कि आप उस चीज़ को रिलेट करके देख लें और उस चीज़ का आंसर तर्क के थ्रू निकाल के देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया जा रहा है, कथन, अपने वाहन से कार्यस्थल पर जाने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसें शुरू की है, इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। तो यहाँ पे अपने वाहन से जाने वाले जो कोई भी अपने वाहन से जाता होगा बाइक से कार से उनको आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित यानी कि एसी बसें शुरू की है, इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। तो यहाँ पे पूर्व धारणाएं क्या क्या है, अधिकांश लोग अभी भी अपने वाहन से कार्यस्थल पर जाना पसंद करेंगे, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो रीजन दिया गया है ना कथन जो दिया गया है उसका आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। नगर परिवहन निगम वातानुकूलित बसें क्यों चला रही है उसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करिए कि ताकि भीड़ कम हो सके और लोग उन बसों में बैठ के अपने ऑफिस और जहाँ पे भी उनको जाना है वहाँ पे जा सके। जब नगर परिवहन निगम के मतलब सोचने का ये है पॉइंट ये है कि कम हो सके भीड़ और उनमें वातानुकूलित बसों में ट्रेवल ज़्यादा हो सके, तो फिर ये बोलना तो पूर्व धारणा में गलत हो जाएगा ना कि अधिकांश लोग अभी भी अपने वाहनों से कार्यस्थल पर जाना पसंद करेंगे, ठीक है, इनको ही तो कम करने के लिए ये चीज़ें चलाई जा रही है और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तभी ये चीज़ें सोची जा रही है, तो ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प चुनेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर ये आपका
सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि इसको विकल्प चुनेंगे तभी तो नगर परिवहन निगम ने इसको चलाया है। अगर ये इसको विकल्प नहीं चुनते तो इतना तो वो भी समझदार होंगे ना कि ये इसको यूज नहीं करेंगे तो इसको चलाया ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका भी हम वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन को कर लेते हैं। कथन यहाँ पे दिया गया, सभी कमरे होटल है, सभी होटल भवन है और सभी भवन पर्वत हैं। तो सिंपल सा एक आपका वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले एक कमरे का बनेगा, सभी कमरे क्या हैं आपके होटल हैं, और सभी के सभी होटल क्या है आपके भवन है, और सभी के सभी भवन आपके पर्वत हैं। तो इस तरीके से आप एक वेन डायग्राम क्रिएट कर लेंगे, और जिसके बाद आप क्वेश्चन के जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनको पढ़ के आप आंसर लगा सकते हैं। निष्कर्ष है यहाँ पे, कुछ पर्वत होटल हैं। तो पर्वत और होटल के बीच में देखिए क्या रिलेशन है। देखिए पर्वत यहाँ पे है और होटल यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी ये वाला है। तो कुछ पर्वत, जो कुछ पर्वत है वो होटल है, तो कुछ वाली कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई रहेगी, तो आपका पहले वाला राइट हो जाएगा। कुछ भवन कमरे हैं, तो यहाँ पे कुछ भवन कमरे हैं, तो कमरे आपका ये है और भवन ये है, तो कुछ भवन और कमरे भी ये हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर है तो टोटली कुछ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई रहेगी। कुछ पर्वत कमरे हैं, तो कुछ पर्वत भी आपके कमरे हो जाएंगे। देखिए कुछ पर्वत ये हैं और कमरे ये हैं, तो कुछ पर्वत, क्योंकि पर्वत के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो ये सब के अंदर है, तो इसका मतलब कुछ वाली कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है ये, और इसमें बोला जा रहा है सभी घोड़े बकरियां हैं, कोई भी बकरी गधा नहीं है। तो सभी घोड़े बकरी हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप इस वेन डायग्राम को बना लेंगे, घोड़े वाला एक वेन डायग्राम बनाए और सभी के सभी घोड़े आपके बकरियां बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि कोई भी बकरी गधा नहीं है, तो बकरी और गधे के बीच में रिलेशन नहीं है इस तरीके से। अगर बकरी और गधे के बीच में रिलेशन नहीं है तो गधा और घोड़े के बीच में रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि घोड़ा इसके अंदर है। ये आपके सोचने वाली बात है जिसको बताया नहीं जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष में क्या क्या बोला जा रहा है, कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात यही बोल दी कि कोई भी गधा, जो गधा और घोड़ा नहीं है, कोई भी गधा घोड़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है यहाँ पे, ये 100% राइट होगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरे वाला है कम से कम कुछ बकरियाँ घोड़ा हैं, कम से कम कुछ बकरियां घोड़ा हैं, तो बकरियां और घोड़े के बीच में तो रिलेशन है, तो कम से कम कुछ बकरियां घोड़ा हो जाएंगी, तो आपके दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ही आपके राइट आंसर बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, कुछ किताबें कार हैं, सभी किताबें स्टार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ किताबें आपकी क्या है, किताबों का आपने एक बनाया, ठीक है, एक हाँ किताबों का आपने ये बनाया, और फिर यहाँ पे कुछ किताबें कार हैं, इस तरीके से बना दिया। फिर यहाँ पे बोला सभी के सभी किताबें जो है वो स्टार्ट हैं, तो यहाँ पे किताबों के ऊपर को आपका ये स्टार्ट वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, तो वेन डायग्राम आपके बन गया। निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ कारें स्टार्ट हैं, ठीक है, कुछ कारें स्टार्ट हैं, तो कुछ कारें और स्टार्ट के बीच में रिलेशन है। देखिए भाई यहाँ पे कारें हैं और ये स्टार्ट हैं, तो ये वाला कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब पहले वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ कारें स्टार्ट हैं, सभी कारें स्टार्ट हैं, तो सभी कारें स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। सभी कारें स्टार्ट कब हो जाएंगी, जब सभी के सभी जो कारें हैं उनके ऊपर को आपका स्टार्ट वाला वो ये जो गोला है ये स्टार्ट वाला ये इसके ऊपर को आ जाएगा, तब इस कंडीशन में सभी कारें स्टार्ट हो सकती थी, तो ये वाला आपका राइट नहीं होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, कुछ बस्ते अंगूठी हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, कुछ अंगूठी आपके बस्ते हैं और कोई भी अंगूठी कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है। देखिए अंगूठी और टोपी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सबसे पहले अंगूठी और टोपी को हम इस तरीके से बनाएंगे। फिर बोला कुछ अंगूठी बस्ते हैं, बचता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको बना लिया। भाई अंगूठी और टोपी के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, बट बाकी बचता और टोपी के बीच में कुछ नहीं बताया गया और किसी के बीच में कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो अंगूठी और टोपी है इनके बीच में तो रिलेशन नहीं है, बट बचता और टोपी के बीच में रिलेशन हो सकता है, सकने वाली कंडीशन में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, कुछ बचते अंगूठियाँ, ठीक है, सभी टोपियाँ अंगूठी हैं, तो सभी टोपियाँ अंगूठी हैं, सभी के सभी टोपियाँ अंगूठी कब हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसके ऊपर को आता तब ये हो सकता था, तो ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला है कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं, कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं,
तो यहाँ पे कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई भी अंगूठी टोपियाँ नहीं है, तो कुछ तो नहीं होगी ना निश्चित रूप से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, बिना बोले ही कर दिया करें, ठीक है। अगर आप जिस दिन से लाइक शेयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मैं नहीं बोलूँगा। और दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ घर के लिए, इसको आप करिए और इसका जो जो भी राइट आंसर रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में थे यही 10 क्वेश्चन, और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। तो इसकी PDF आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। इन सभी एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, 20 टेस्ट 120 रुपये में, 20 टेस्ट आपके 199 रुपये में है, बाकी 20 टेस्ट 120 रुपये में है। डिस्काउंट कोड आपका सौरभ SPL है, तो इसको यूज करके आप परचेज़ कर सकते हैं और इन टेस्ट को लगा के स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।